इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर में बढ़ती आबादी, सवारियों की तादाद में इजाफा और साथ में नई सड़कों को लेकर एक तरफा सवारियों की नकल हरकत परेशानी में इजाफा कर रही है। खासकर गांधी नगर सड़क, बस स्टैंड और पुरानी पीबी रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। पिछले कुछ दिनों से, कहने से बेहतर है कुछ सालों से, नए बस अड्डे की तामीर जारी है, जिससे सीबीटी की सड़क बंद ही है। सिर्फ पिछले 2 सालों से जमीनी सड़क बनाने का काम जारी है। 2 साल से भी जायद वक्त गुजर रहा है पर अब तक सड़कें मुकम्मल होने को तैयार नहीं है। एमएलए कह रहे हैं कि कुछ दिन और सब्र करें ताकि आने वाले 20 साल के लिए बेहतर सड़कें बेलगाम वालों को फराहम की जाएंगे। पर आवाम का सवाल यह है कि तरक्याती काम आखिर कब अंजाम तक पहुंचेंगे। आवाम ने काम धीमी रफ्तार से होने का इल्जाम भी लगाया। हर रोज ट्रैफिक की परेशानी से बेलगाम वाले हैरान नजर आ रहे। सीबीटी का जमीनी रास्ता तो और भी साल तक मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा आवाम सीमेंट सड़कों से, बार बार की खुदाई से और धीमी रफ्तार से चलते कामों से परेशान है। क्या जल्द कामों को अंजाम देकर शहर के आवाम को इत्मीनान मिलेगा? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से हर रोज किया जा रहा है। बढ़ती गुंडागर्दी और बेखौफ मुजरिमों को शायद आज के फैसले ने कुछ डर पैदा किया हो। 3 साल पहले वाकई असमत रेजी मामले का फैसला आज बेलगाम अदालत में दिया गया, जिसमें मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हासिल इत्तला के मुताबिक 15 फरवरी 2017 को अपने दोस्त के साथ तफरी के लिए मुत्यानट्टी के करीब एक लड़की पर कुछ गुंडों ने ज्यादती की थी, लिहाजा किसी तरह हाईवे पहुंचकर काकती पुलिस थाने में फरियाद दाखिल की। सीपीआर रमेश गोकाक ने इसकी तफ्तीश करते हुए 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था, जिसका फैसला आज होना था। जज मंजप्पा ने तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर 5ों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वाज रहे के कुछ दिनों से बेलगाम और अतराफ में गुनाहों की वारदात में इजाफा होता ही जा रहा है। इस तरह के सख्त फैसले लेना जरूरी है, ऐसा भी आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। बेलगाम शहर और अतराफ के असातिजाओं के तबादले का मामला कोरोना के मद्देनजर रुका हुआ था, जो जल्द शुरू होने जा रहा है। आने वाले 16 दिसंबर को बाहमी सख्ती अजाफी तबादले अमल में आने वाले हैं, जिससे काफी दिनों से रुके हुए तबादले होने जा रहे हैं, जिससे असातिजाओं में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। 16-17 दिसंबर को प्राइमरी और 18-19 को हाई स्कूल असातिजाओं के काउंसलिंग मुकम्मल किए जाएंगे। बेलगाम शहर की मारूफ समाजी खिदमात को अंजाम देने वाली कैंप बेलगाम की तंजीम हिंद एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मर्ज कोरोना में जिन तंजीमों ने सामाजिक खिदमत को बखूबी अंजाम दिया, इनकी गोलपोशी मोमेंटो देकर हिम्मत अफजाई फरमाई गई। इस वक्त बतौर मेहमान जनाब आसिफ राजू सेठ मौजूद थे, जिन्होंने अंजुमन के खिदमत को वाजा किया। इसी तरह से बेलगाम के मुख्तलिफ तंजीमों ने दौरे कोरोना में मुमकिन खिदमत किए, जिन्हें सराहा। इस वक्त हिंद एजुकेशनल सोसाइटी के तमाम जिम्मेदार मौजूद रहे। वैसे तो मोबाइल की दीवानगी अब सर चढ़कर बोल रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक अक्सर वक्त मोबाइल में सर्फ करने की गोया आदत सी पड़ी हुई है, जिससे कईयों का जहनी तवाजन भी खोते देखा जा सकता है। बेलगाम और अतराफ में कई वाकयात देखने सुनने में मिलते हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक एक और वारदात अमल में आई। मकामी तौर पर चिकमंगलूर के रहने वाले शाहबाज को जब बीवी ने मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर रोकने की कोशिश की और बहस की, तो खड़े बाजार की सूर्या लॉज में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लिया। इस वारदात से वाकई काफी लोग ताज्जुब में हैं। मामला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।